अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम मैं कुफ्ते की रेसिपी आप लोग को दे रही हूँ। ये किलो गोश्त है मेरा, पीस लिया एकदम बिल्कुल महीन। इसमें हरी मिर्च डाल दिया है। और इसके लिए क्या क्या चाहिए, मैंने इसके मसाले ग्रेवी के लिए भी लिया है 2 अदद 3 अदद प्याज, दो बड़े साइज़ का टमाटर और गरम मसाला और हरी मिर्च। ये ज़ीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लहसुन अदरक है और सत्तू है। इसमें मैं आपको ख़ास टिप से बनाऊंगी, आपका कुफ्ता बिल्कुल चूर होगा। 1 किलो गोश्त में 100 ग्राम जो चना का भुना हुआ सत्तू होता है, चना का भुना हुआ आटा जिसको सत्तू कहते हैं हम लोग, वो डालेंगे 100 ग्राम। 1 किलो में 100 ग्राम डालिएगा, बिल्कुल नहीं चूर होगा। और इसके अंदर पेट में जाएगा, इसके अंदर मसाला मैं डालूँगी धनिया, मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, लहसुन अदरक। मैं कुफ्ते का मसाला बना रही हूँ। तेल देके डाला, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा या मेथी का फोड़न डाल दीजिए। मैंने डाल दिया। देखिए मैं ये लहसुन अदरक, पहले लहसुन अदरक 2 चम्मच डाल के मैं भून लूँगी अच्छी तरह से। मैंने 1 मिनट लहसुन अदरक को भून लिया बस तेल में। उसके अब इसमें जाएगा प्याज, ये 3 अदद प्याज है पिसा हुआ। अब मैं इसको 2 मिनट भून लूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डालूँगी। देखिए 1 चम्मच भर के और 2 चम्मच धनिया डालूँगी। इसलिए मेरा 1 किलो है, 1 किलो के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। देखिए मेरा मसाला भुना लिया, तेल छोड़ दिया। तब इसमें हम थोड़ा सा मसाला लेके ये इसमें डाल दूँगी, कुफ्ते के जो पिसा हुआ गोश्त है इसमें डाल के मिक्स करूँगी। अब इसमें चला जाएगा ये टमाटर और गरम मसाला। ये जाएगा गरम मसाला पाउडर, इसमें भी थोड़ा सा मैं डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह से भून लूंगी मैं। नमक आप हसबे जायका डालिए अपने हिसाब से, नमक, मिर्च और तेल। मैंने 1 किलो में 100 ग्राम तेल डाली। नमक चला गया मेरा, देखिए इसमें मेरा नमक चला गया। देखिए मैं इसमें सत्तू डालूंगी, सत्तू डालने से खस्ता होता है, ज़्यादा डल जाता है तब चूर होता है। देखिए मैं इसमें 1 किलो है तो 100 ग्राम डालूंगी, यानी 3 चम्मच भर के। दो हो गया, ये देखिए 3 हो गया। और इसमें मैंने धनिया पत्ती डाला है और हरी मिर्च महीन महीन डाल के मैं सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मसाला भुन गया, तेल एकदम छोड़ दिया। अब इसमें मैं अपने हिसाब से पानी डाल दूंगी कि उसमें कुफ्ते का पके और ग्रेवी जितना रहना है रह जाए। मैं देखिए इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छी तरह से पूरा मसाले को मिक्स कर लूंगी गोश्त में, सत्तू। वो अपने हिसाब से आप जितना बड़ा बड़ा रखना है रखिए, ज़्यादा बड़ा रखने से पीता भी नहीं है। देखिए इसमें तेल लगा करके इस टाइप से हम बना रहे हैं गोल गोल। तेल लगाया और ऐसे ऐसे बस। देखिए हमारा मसाला हो गया और देखिए हमारा कुफ्ता कितना अच्छा बना, शाइनिंग। थोड़ा हल्का सा तेल लगा करके हाथे बनाए, एकदम चिकना चिकना, खूब अच्छा कुफ्ता बनेगा। और देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और उसको मैं डाल दूँगी इसमें।
अब इसमें उबाल आ जाएगा और मैं इसको 20 मिनट तक मीडियम टू स्लो आंच पे रखूँगी। और इसको कभी कब चम्मच से मत चलाइए, इसको ऐसे करके चलाइए, इस टाइप से चलाइए, चूर हो जाता है ऐसे। और ऐसे देखिए आपका बस डुला दीजिए, हर 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 5 मिनट के बाद उसको ऐसे डुला दीजिए खोल के। और इसको फिर 20 मिनट तक मैं पकाऊंगी। कोफ्ता तैयार, इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इतना शानदार है कि बिल्कुल चूर नहीं हुआ।